मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा जो टॉपिक है फिजिकल साइंस का फर्स्ट एड बॉक्स के बारे में। फर्स्ट एड बॉक्स, ठीक है, एंड ऑडियो विजुअल एड्स, जिसमें हम बात करेंगे चार्ट और मॉडल्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं फर्स्ट एड बॉक्स। देखिए, फर्स्ट एड बॉक्स जब भी हमें कोई चोट लग जाती है, ठीक है, कहीं पर भी, चाहे हम कहीं घर हो, बाहर हो, कहीं पर भी ऐसी चोट लग जाती है तो हमें फ़र्स्ट एड बॉक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो फर्स्ट एड बॉक्स जस्ट हमारा प्राइमरी एक तरह से जो हमारी हेल्प करता है, हमारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं उसके लिए हमारा फर्स्ट एड बॉक्स हमारी बहुत ही हेल्प करता है, ठीक है। तो ये जब हमारी कहीं चोट लग जाती है, चाहे हम घर में हों चाहे बाहर कहीं हों, तो वहाँ पर क्या है, हर जगह फर्स्ट एड बॉक्स की सुविधा होनी चाहिए, ताकि जो हमारी प्राइमरी जो हमारी हेल्प हो सके, वो उसमें जो चीज़ें हैं, वो प्रोडक्ट्स होते हैं, वो कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है बेटा। तो ये थी हमारी जनरल। उसके बाद हम बात करते हैं कि जब भी हम, अगर हम स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग बात करते हैं, जब भी हम प्रैक्टिकल लैब में होते हैं, प्रयोगशाला में होते हैं, तब हम वहाँ पर कार्य करते हैं, ठीक है। तो लैब्स में हम इस तरह के कार्य करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं, तो जस्ट दुर्घटनाएं होने का डर रहता है, ठीक है बेटा। तो ऐसे संकटों का सामना करने के लिए हमें ज़रूरी है फर्स्ट एड बॉक्स की, प्राथमिक सहायता के लिए, ठीक है, जो हमारी प्राइमरी हेल्प करने के लिए प्राथमिक हेल्प होती है वो हमारी फर्स्ट एड बॉक्स ही होती है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, ये एक तरह से एक पेटी होती है जिसमें कुछ ज़रूरी दवाइयाँ और ज़रूरी जो प्रोडक्ट होते हैं हमारे इसमें, ठीक है, और पट्टियाँ होती हैं हमारी, डिटोल होती है हमारी, इसमें पट्टीज होती है, ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, और टेप होती है, सीज़र होती है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस पेटी की जो प्राथमिक सहायता है संबंधी, इसको इस तरह से, इस पेटी को प्राथमिक सहायता संबंधी पेटी भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसे क्या है, वैसे हमें इसकी टाइम टाइम टू टाइम इस बॉक्स को निकाल देखते रहना चाहिए कि किसी दवाई की या किसी भी चीज़ की डेट ओवर तो नहीं हो गई है, क्योंकि डेट ओवर होने के बाद हमें इन दवाइयों को फेंक देना चाहिए, ठीक है बेटा। तो बक्से में जो भी रखी होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, ये प्राथमिक एड से रिलेटेड होती हैं, जो हमारी फर्स्ट एड बॉक्स बोलते हैं, जिसे को स्वच्छ और शुद्ध रखने के लिए हमें टाइम टू टाइम जांच करते रहना चाहिए। जैसे अभी बताया कि अगर डेट ओवर हो जाती है किसी दवाइयों की, तो उसे फेंक देना चाहिए, ठीक है। तो जो दवाइयों की शीशियां हैं उनके ऊपर लेबल भी लगे होने चाहिए, ताकि हमें डेट का भी पता चल सके और कौन सी दवाई है उसके बारे में भी, ठीक है बेटा। तो इस पर, इस तरह से जो हमारा फर्स्ट एड बॉक्स है, उसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी वस्तुएँ होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम बोरिक एसिड यूज़ करते हैं, प्लास्टर जोड़ने वाला जो प्लास्टर होता है वो, डिटोल होता है, ग्लासरीन होती हैं, ठीक है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होता है हमारा, सीज़र होती है हमारी, ठीक है, ड्रॉपर होते हैं हमारा, थर्मामीटर होता है हमारा, साधारण नमक, एसोटिक एसिड्स होता है, चिमटी होती है, ठीक है, ड्रॉपर होता है। तो इस तरह से एग्जैक्टर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हम जो प्राइमरी फर्स्ट एड बॉक्स के लिए ज़रूरी होती हैं, ठीक है। तो प्रयोगशाला में होने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिए हमें ये फर्स्ट एड बॉक्स ज़रूर रखना चाहिए, और अध्यापक भी हमारे, इन अध्यापक को भी जो हमारी प्राय होने वाली दुर्घटनाएं हैं उनकी जो जानकारी है अध्यापक को भी होनी चाहिए। और इस प्रकार ये हमें जो प्राथमिक सहायता के रूप में जो हमारा फर्स्ट एड बॉक्स है, उससे हमें हेल्प मिलती है, वो ज़रूर होना चाहिए, ठीक है, ताकि हम जो भी दुर्घटना अगर कई बार घट जाती है तो हम उस दुर्घटना का शिकार ना हो सके, ज़्यादा हमारी जो चोटें लगी हैं वो हमारी जल्दी ठीक हो जाएं, ठीक है। उसके बाद है हमारी कॉमन एक्सीडेंट्स एंड देयर रिमेडीज, साधारण जो दुर्घटनाएं होती हैं और उनके उपचार, क्या क्या उपचार हैं उनके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले है बर्न, मान लीजिए जलना, ठीक है, किसी भी गर्म वस्तु से अगर कोई जल जाता है, जैसे कई बार हम दूध उबाल रहे होते हैं, तवे पे हम रोटी सेक रहे होते हैं,
फ्राई पैन, चाय का फ्राई पैन उठा लेते हैं, कई बार हाथ गर्म गर्म लग जाता है, हमारे हाथ से छूट जाता है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसको रुई को उसमें सोडियम कार्बोनेट का घोल जो होता है उसमें भिगोकर जले हुए स्थान पर पट्टी से उसको बांध देना चाहिए, ठीक है। और यदि कोई अम्ल से जल जाता है तो उसे खुले पानी से धोकर फिर सोडियम बाइकार्बोनेट से अच्छी तरह धोना चाहिए, ठीक है। सेकंड है फायर, यदि किसी छात्र के कपड़ों को आग पकड़ ले तो उस छात्र को अच्छी तरह से फायर प्रूफ कंबल में लपेट देना चाहिए, ठीक है। और यदि ये आपका प्रैक्टिकल लैब में होता है या किसी भवन को आग लग जाए तो फौरन सभी खिड़कियों और दरवाजे बंद कर देने चाहिए ताकि एकदम आग बुझने वाला जो इंजन है फायर ब्रिगेड को बुलाना चाहिए, ठीक है, ताकि आग ज़्यादा फैले नहीं। उसके बाद है गैस पॉइजनिंग, विषैली गैस का प्रभाव भी होता है जो कई बार रोगों को एकदम क्या होता है रोगी को कि जो प्रयोगशाला के बाहर खुली हवा में ले जाना चाहिए ताकि उसका दम ना घुटे, और ऐसे रोगी को जो फौरन है चाय या कॉफ़ी आदि पीने के लिए दी जानी चाहिए, क्योंकि यदि क्लोरीन गैस का प्रभाव हो तो जो फौरन अमोनिया सुंघानी चाहिए और सोडियम बाइकार्बोनेट है जो हमारी से कुल्ला करना चाहिए, ठीक है। और है ऑन इलेक्ट्रिक चौक, विद्युत आघात पर छात्रों को स्पष्ट निर्देश होना चाहिए कि अगर किसी भी छात्र को विद्युत करंट लग जाए तो क्या करना चाहिए, तो उसे दूसरा छात्र कोई भी ना पकड़े, ना कोई छात्र ना कोई टीचर। तो ऐसे समय में जो मेन स्विच है उसको ऑफ कर देना चाहिए और डॉक्टर को खबर दे देनी चाहिए इस बारे में, ताकि जो इस दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को खुली हवा में कमरे में खुली हवा में उसको कमर के बल लिटा देना चाहिए, ताकि इसके पश्चात जो दुर्घटनाग्रस्त हुई है व्यक्ति चाय या ब्रांडी का सेवन कर सके और उसको थोड़ा सा सही महसूस हो, ठीक है। तो इस प्रकार इस तरह से हमें हेल्प करनी चाहिए। पॉइजनिंग विष, ऐसी हालत में एकदम डॉक्टर को सलाह देने के लिए क्या करना चाहिए, बुला लेना चाहिए, क्योंकि स्वयं इसका उपचार भी अम्ल जो हमारे होते हैं क्षार अम्ल, तो इस की तरह जैसे जो जिस के यौगिक होते हैं गिरने से मुंह व होंठ चलने लग जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में अम्ल पीने पर या चूने का पानी या नींबू का पानी, नींबू का रस निकाल कर हमें उसमें पिलाना चाहिए, ठीक है, तो इससे बेटर रहता है। उसके बाद है फास्फोरस से जलना, बर्न ऑफ फास्फोरस, जो हमारी फास्फोरस होती है जो स्थान जल गया है या उस स्थान पर अच्छी तरह पानी में डुबोकर धो देना चाहिए वो स्थान, और उसके पश्चात उस पर सिल्वर नाइट्रेट का घोल से भीगी हुई रुई से ढककर उसको अच्छी तरह पट्टी बांध देनी चाहिए, ठीक है। तो पानी में भी धोना चाहिए और उसके बाद उसमें पट्टी भी बांध लेनी चाहिए। तो इस प्रकार हमें ये फर्स्ट एड बॉक्स से हमें इसकी हेल्प चाहिए होती है। फर्स्ट एड बॉक्स बना होना चाहिए हर जगह, कहीं पे भी, किसी भी कार्यालय में, ठीक है। और साथ में जो इसकी हमारी आवश्यकता है कि हमें क्या क्या करना चाहिए जो दुर्घटनाएं घटती हैं तो उसके उपचार के लिए भी हमने पढ़ा है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑडियो विजुअल एड्स की, दृश्य श्रव्य सामग्री। देखिए, दृश्य श्रव्य सामग्री जो देखने की और सुनने की सामग्री होती है, सामग्री मतलब कहने का मतलब हमारे चार्ट, मॉडल, टीवी, प्रोजेक्टर, बहुत सारी ऐसे स्क्रीन्स होती हैं जिससे हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, ठीक है। टीवी है हमारा, तो ये सारी दृश्य श्रव्य सामग्री होती है, ठीक है। तो इसमें मेन है आपका चार्ट है, मॉडल है, फिल्म स्ट्रिप है, भ्रमण है, रेडियो प्रोजेक्टर, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक है। तो चार्ट का मुख्य कार्य क्या है, तुलना करना, विकास की प्रक्रिया, वर्गीकरण एवं संगठन है, ठीक है। तो चार्ट के प्रयोग से अधिगम होता है उस प्रक्रिया को हम बहुत ही इजी बना सकते हैं, ठीक है, और बन भी जाती है। तो चार्ट कौन कौन से होते हैं, देखिए चार्टों में हमारा टाइम चार्ट होता है, टेबल चार्ट होता है, ग्राफिक चार्ट होता है, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता है, पाई चार्ट होता है, ट्री चार्ट होता है, तो बहुत से ऐसे चार्ट्स हैं जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, अपनी स्टडी को बरकरार रख सकते हैं और इंटरेस्टेड वे से इसको पढ़ सकते हैं। तो इसमें शिक्षण प्रक्रिया में क्या करती है, कॉन्टीन्यूटी बनी रहती है इससे चार्ट से। तो जो छात्र होता है वो टॉपिक की जो विषय वस्तु है उसकी तुलना करना भी सीख जाता है,
और इस प्रकार चार्टों की सहायता से जो हमारे अध्यापक होते हैं वो यातायात के साधन, कृषि के साधन और भी जो हमारे साधन है, अंक व्यवस्था है, हमारी विभिन्न प्रकरणों को जो टॉपिक्स हैं उसको सुगमता से समझा जा सकता है। किसके द्वारा? चार्ट्स के द्वारा। तो अध्यापक को चाहिए कि वे छात्रों को के समूह में एकत्रित होकर चार्ट की क्या करे, व्यवस्था करे और उनको उस जो चार्ट पे बनाया गया है जो भी टॉपिक उस कार्य को समझाने के लिए उनको प्रेरित करे। ठीक है, तो इस प्रकार चार्ट हमारा जो शैक्षिक महत्व है इसका, चार्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका बहुत ही एजुकेशन में महत्व है। तो कुछ चार्ट होते हैं जो अध्यापक द्वारा भी तैयार करवाए जाने चाहिए और जिसमें विद्यार्थियों का भी इन्वॉल्व होना चाहिए। और उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ चार्ट। चार्ट की प्रिपरेशन कैसे करेंगे? देखिए, तैयारी जो चार्ट होता है छात्रों को जो चार्ट निर्माण में सर्वप्रथम छात्रों का जो चार्ट का चयन अर्थात किसी भी वस्तु पर चार्ट बनाना कैसे निश्चित करना है, कितना उसका लंबाई और चौड़ाई होनी चाहिए, तो ये सब बातें हम ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले है द साइज ऑफ द चार्ट। Thank you.
ठीक है, तो एनसीईआरटी